सो आई गॉट अ सिम कार्ड गाइज एंड यू वोंट बिलीव इट व्हाट्स द प्राइस ऑफ द सिम कार्ड. लैंग्वेज बहुत ही बड़ा बैरियर है इधर. लुक एट द ट्रैक. फाइनली हम लोगों को हमारी खुद की डिंग डिंग मिल गई. बहुत ही कंफ्यूजन है भाई. गाइज ऑलवेज मेक द रिजर्वेशन इन एडवांस क्योंकि बहुत लंबी लाइन होती है ऑन द स्पॉट अगर बुकिंग कराने जाओगे. ओके तो फाइनली मैं देवश्री को छोड़ के गया 10-15 मिनट के लिए. हम दोनों अभी भी एयरपोर्ट के ऊपर ही हैं. सो एक ऐप है एंड नोटेड डाउन दिस ऐप कॉल्ड फ्लूक KLOOK. तो जब मैं इंडिया से निकला था तो दिस इज़ काइंड ऑफ ये समझ लो कि एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी है. आपको क्या करना है किसी भी सिटी के अंदर यू विल गेट डिस्काउंटेड प्राइस. So first thing I searched was SIM card. So I got a SIM card guys and you won't believe it what's the price of this SIM card. This is as a 7-day validity aur iska price tha $7.5 for unlimited data, 30 calls each day and a local number mila. तो अगर मैं देवश्री का इंटरनेशनल रोमिंग रिचार्ज कराता हूँ जियो से तो वो 1100 का पड़ता है. बट कमिंग टू दिस पर्टिकुलर 7 दिन तक अनलिमिटेड डेटा एट जस्ट लाइक 600 or 700 बक्स. मुझे याद है देवश्री और मैंने जब हम बुदापेस्ट गए थे तब हम लोगों ने आई थिंक पर हेड 4,000 or 5,000 रुपीज़ खर्च किया था इंटरनेशनल रोमिंग के ऊपर, डेटा चार्जेस के ऊपर. एंड दिस टाइम वी आर डूइंग इट एट 700 बक्स. नाउ आफ्टर दैट I got the public transport. To use a public transport, the Octopus card. Now, Octopus card can be used in trams. It can be used in ding dings. They're basically the वो जो road के बीच में जो चलता है ना. The trams are called ding ding here. और इसको अपन बस के अंदर यूज़ कर सकते हैं. यू जस्ट नीड टू टॉप इट अप और ये कहीं पे भी टॉप अप हो जाता है. इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आप एयरपोर्ट से ऑक्टोपस कार्ड ले रहे हो देन यू हैव टू यूज़ कैश ओनली. मैं कैश कैरी नहीं कर रहे थे हम दोनों तो आई हैव टू फर्स्ट बुक इट अगेन बाय क्लूक. और क्लूक से मैंने जब ऑर्डर किया तो आई गॉट एन डील जिसमें मैं 2 एयरपोर्ट टिकट ले सकता था. सो आई गॉट द रिटर्न एयरपोर्ट टिकट्स विथ मी on this combo offer of Octopus card and that costed me just like 2,200 bucks. 2 Octopus cards with 50 preloaded value and 2 return tickets from any of the stations to Hong Kong airport. Then finally what I got was abhi hum yahan se nikalne wale hain. So I think I got 2 onward tickets from which is again an airport express. Yahan pe agar aap taxi use karte ho it will be kind of costly. सो हम एयरपोर्ट एक्सप्रेस यूज़ करके डायरेक्टली हांगकॉन्ग सेंट्रल स्टेशन पहुँचेंगे. और हांगकॉन्ग सेंट्रल स्टेशन से दैट देवश्री वॉज ऑल्सो सरप्राइज फ्री शटर्स चलती है जिस होटल में हम रुक रहे हैं. सो बेसिकली इन आई थिंक करेक्ट हमें टैक्सी लेना ही नहीं पड़ेगा. सो नाउ दिस इज़ अगेन वेरी चीप एंड ऑब्वियसली सो वी आर मेकिंग बेस्ट यूज़ ऑफ एप्स मेकिंग श्योर कि हम लोग ज़्यादा स्पेंड नहीं करें इस ट्रैवल के ऊपर. सो नाउ आर जर्नी विल स्टार्ट यूजिंग द एयरपोर्ट एक्सप्रेस to the Hong Kong Central. Chaling. By the way guys, Hong Kong ko Asia's world city bolte hain. Pata nahi tha yahan pe likha hua hai. So yeah, entire Asia's world city. So I'm so excited to explore the world city. Let's go. Chalo. Let's hop into Airport Express now. Here we are. लैंग्वेज बहुत ही बड़ा बैरियर है इधर. दे स्पीक इंग्लिश लेकिन क्या होता है कि एक्सप्लेन करने में और समझने को दिक्कत होता है. सो वी गॉट फाइनली बोर्डेड आर ट्रेन और देवश्री को और मेरे को सबसे बड़े कन्फ्यूजन था कि वी डिडंट स्कैन दिस कार्ड एनीवेयर. तो मैंने यहाँ पे पूछा उन लोगों से. आई थिंक व्हेन वी आर स्टेपिंग आउट दैट टाइम वी हैव टू स्कैन दिस कार्ड. सो आई वॉज इन अ फिक्स कि यार डिड वी डिड द राइट थिंग और नॉट. फाइनली वी स्पोक वी आस्क्ड समबडी एंड दे सेड लाइक वंस वी आर गेटिंग ऑफ द ट्रेन तब हमें उस कार्ड को स्कैन करना है. बट आर ट्रेन जर्नी स्टार्टेड. हमारा 3rd स्टॉप है और वहाँ से फिर हम एयरपोर्ट शटल लेंगे. लास्ट स्टॉप ही है ना. या लास्ट स्टॉप काइंड ऑफ फाइनल स्टॉप. यस सो हम लोग अभी निकले हैं. इट्स अ डे टू. कल हम लोगों ने ज़्यादा कुछ ब्लॉग नहीं किया था. लुक एट द ट्रैम. कितना क्यूट ट्रैम है ये. तो इसको यहाँ पे लोग डिंग डिंग कहते हैं. कल हम लोग डिंग डिंग में भी चढ़े थे. वी जस्ट लाइक कल हम लोग ज़्यादा पार्टी वार्टी कर रहे थे और थोड़ा रिलैक्स हो गए थे. ब्लॉग कैमरा लेके नहीं गए थे. आज हम ब्लॉग करेंगे. हम लोग अभी खाना खाने निकले हैं. बट देखो
सो दिस इज द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग राइट एट द सेंटर और आज मौसम भी काफी मस्त है और हम लोग फाइनली अपने हल्के कपड़ों के अंदर आ पाए. पहला दिन हम वी बीइंग एक्स्ट्रा कॉशियस थे तो हमने लेयर्स डाली हुई थी. आज देवश्री और मैंने कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं है. दे लाइक नॉर्मल प्रॉपर मुंबई वेदर. यू डोंट फील हॉट बट यू डोंट फील कोल्ड आल्सो. प्रॉपर मुंबई में जो विंटर्स में जैसा होता है वैसा ही. एंड इफ यू सी यहां पे ये सब शॉप्स सब चाइनीज में लिखा हुआ है. होलसेल मेडिसिनल शॉप या होलसेल दिस ड्राई सी फूड शॉप्स तो अभी हम इंतजार कर रहे डिंग डिंग के लिए. डिंग डिंग में चढ़ के हम जाएंगे लंच करने एंड देन वी हैव अदर प्लान्स. फाइनली हम लोगों को हमारी खुद की डिंग डिंग मिल गई. बहुत ही कंफ्यूजन है भाई. पहले डिंग डिंग में बैठ गए और हम सही स्टॉप पे खड़े थे और किसी ने बोला कि नहीं नहीं आपको दूसरे वाले स्टॉप पे जाना पड़ेगा. तो फाइनली हम फिगर आउट करने में इतना टाइम लगा हाफ एन आवर एक्चुअली. आई थिंक नाउ वी हैव गॉट द हैंड कैसे फिगर आउट. हां सो वी फाइनली गॉट अ डिंग डिंग. अभी हम चार स्टॉप दूर हैं and we are going to a Michelin star noodles restaurant. Devashri aur main, we were eyeing on that restaurant for quite some time. Finally ab hum great one of the Hong Kong cream noodles karenge. We both kind of love soupy kind of noodles. और इनका कल हमने जो वॉन्टून सूप टेस्ट किया था उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था. पहले भी हम लोग इंडिया से पेरी पेरी मसाला लेके आए हमारे साथ लेकिन हमने डिसाइड किया उसको यूज़ नहीं करेंगे. एंड वी करेक्ट इनके फ्लेवर्स काफ़ी अच्छे हैं. सो लेट्स सी हाउ द एक्सपीरियंस विल बी. कम्प्लीटेड आर लंच. हम टाई चुआन नूडल्स प्लेस के ऊपर है. ये मिशलन स्टार प्लेस है. फिक्स मेन्यू है. तीन से चार डिशेज हैं इनके पास. फिक्स मेन्यू है. आई हैड वॉन्ट टू नूडल्स देवेश ने भी वही खाया बट इतना हैवी था कि देवेश ने 75% ही खत्म छोड़ दिया उसने. और दे डोंट एक्सेप्ट कार्ड सो वेन यू आर कमिंग हियर यू शुड हैव योर कैश हैंडी विद यू. अभी हमने यहाँ से अपना ख़त्म किया है मिशलन लंच. Now we are heading to Peak Tram. So जहाँ पे हम थे वहाँ से 1 किलोमीटर का वॉक है पीक ट्रैम के लिए. इट्स काइंड ऑफ अ हाइक और हम चलते जा रहे हैं. देवश्री और मेरा वॉन्टून सूप पच गया है. आई वाज जस्ट टेलिंग देवश्री कि अगर देवश्री वापस जाने का मौका मिलेगा आई वो टेस्ट मेरे हिसाब से नहीं था. देवश्री और मैं बाकी ट्रिप में हमारे डिमसम्स के साथ ही स्टिक रहेंगे और अगर अच्छा सा वॉन्टून सूप मिलेगा तो वॉन्टून सूप भी आई विल बी ओके विद बट नो मोर नूडल्स इन सूप नॉट फॉर मी. अभी हम जा रहे हैं 400 मीटर और चढ़ना है ऊपर फिर वहाँ से हम पीक ट्रैम लेंगे और हांगकॉन्ग स्काईलाइन देखेंगे. Very tired. चल के but it's fun. तो देवश्री से कम मैं आधा पौना घंटा अलग रहा और फाइनली टिकट का नंबर आया. गाइस ऑलवेज मेक द रिजर्वेशन इन एडवांस क्योंकि बहुत लंबी लाइन होती है ऑन द स्पॉट अगर बुकिंग कराने जाओगे. सो जहाँ पे मैं कर रहा था बुकिंग वहाँ से हमेशा अगले दिन का मिल रहा था. सो फाइनली वी डिड द वॉक देन ऑन द पीक रैंपार्ट और इट्स काइंड ऑफ एग्जॉस्टिव लेकिन हम बिल्कुल सही टाइम पे सनडाउनर के पहले हम ऊपर पहुँच जाएंगे. okay.